प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एन्यूएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए, ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटेंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंपसम पेमेंट एट सुपर एन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी। ये एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्यूएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंपसम एक अमाउंट तय किया गया। ये है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स, विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड,
उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटेंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, समरतन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है।